अलैकुम नाज़रीन हॉटशिप प्रोग्राम में भलीकार मैं तवांजी मेज़बान सबिन मेमर नाज़रीन हॉटशिप प्रोग्राम में गाल कंदासी मुल्क में कर खयल मुआशी बहरान सा गड सियासी बहरान जी सूरत हाल ते वाज़े रहे त जिते मुआशी सूरत हाल डीओ डी बदतर थींदी पई वञे त उते सियासी सूरत हाल ते पिण हुकूमत कंट्रोल करण में नाकाम नज़र अचे थी जेकॾहिं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां गाल कजे त हिन वक़्त पंजाब ऐं के पी के में 90 ॾींहनि अंदरि थींदड़ चूंडूं हिकिड़ो सवालिया निशान बणियल आहिनि पीटीआई जो मुतालबो आहे त 90 ॾींहनि अंदरि पंजाब में चूंडूं करायूं वञनि इन हवाले सां लाहौर हाईकोर्ट जो वाज़े हुकुम पंजाब जे चूंडुनि जे हवाले सां मुशावरत लाइ इलेक्शन कमीशन पिण एक्शन में अची चुकी आहे इलेक्शन कमीशन पारां इन हवाले सां गवर्नर पंजाब सां पिण राब्तो कयो वियो इलेक्शन कमीशन जो चवणु हो त चूंडुनि जे हवाले सां 90 ॾींहनि अंदरि जेके चूंडूं थियणियूं आहिनि अदालती हुकुम मूजिबि उन ते मुशावरत करण जे लाइ गवर्नर पारां वक़्तु ॾिनो वञे त जीअं इन सिलसिले खे अॻियां वधायो वञे इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं इमरान ख़ान जे यूटर्न जे मथां यूटर्न जे हवाले सां इमरान ख़ान पारां वॉइस ऑफ अमेरिका खे ॾिनल इंटरव्यू में इहो वाज़े चयो वियो आहे त संदसि हुकूमत किराइण जी साज़िश में अमरीका मुलविस न हुयो इमरान ख़ान जो चवणु आहे त इन रिजीम चेंज जो ज़िमेवार अमरीका न पर अॻूणो जेको आहे सो आर्मी चीफ बाजवा हो इमरान ख़ान जो इहो बि चवणु हो त 90 ॾींहनि अंदरि जेकॾहिं चूंडूं न थियूं त हू आइन बचायो तहरीक पिण हलाईंदा इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदे लाइ नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीक़ुल फारूक़ साहिबु असां सां गॾु आहिनि सिद्दीक़ुल फारूक़ साहिबु वेलकम कहती हूं आपने प्रोग्राम में जॉइन किया पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अॻवान पीटीआई सां तालुक़ु रखंदड़ आफ़ताब साहिबु असां सां गॾु आहिनि आफ़ताब साहिबु आपको बि वेलकम कहती हूं आपने प्रोग्राम में जॉइन किया आफ़ताब साहब शुरुआत करूंगी आपसे लाहौर हाई कोर्ट का वाज़े हुकुम इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में आ गई है इलेक्शन कमीशन ने राबता किया है गवर्नर पंजाब से कि वो उनको टाइम दें ताकि 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात होने हैं अदालती हुकुम के मुताबिक और आईनी तकाजे के मुताबिक तो उन पर मुशावरत हो सके आप समझ रहे हैं कि इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको अच्छा देखिए पहली बात तो ये कि ये कानूनी है आईनी है कि अगर आपने कही असेंबली खत्म हुई है तो उसको 90 दिन के अंदर जो है उसका इलेक्शन होना चाहिए और अगर आप आईन की खिलाफवर्जी करेंगे तो फिर उसका जो भी होगा कि आर्टिकल 6 लगे या जो मर्जी सजा वो अदालत का काम है वो देंगी या नहीं देंगी उनका क्योंकि ये आर्डर अदालत ने दिया है कि जी आपको फौरी तारीख अनाउंस करनी चाहिए 90 डेज के अंदर इलेक्शन की तो ये इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आज नहीं देंगे तो कल देंगे और ये देनी पड़ेगी लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जी भले अदालतें कुछ भी करें उसे क्या फर्क पड़ता है हमें ऊपर से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा माई बाप का हम कोई काम नहीं कर सकते तो फिर वो उसके बाद की जो भी सूरत हाल बनेगी उसको देखेंगे क्या है ये तो इस वक्त आईनी भी या कानूनी भी मसला बना हुआ है तो इसको जो है क्योंकि ये जो चैंपियन है ये तो सारे जमहूरियत के चैंपियन है आईन की बात करते हैं और कहते हैं जी आईन जो कहता है वो करते हैं अलग ऐसा है नहीं हिस्ट्री कुछ और बताती है बहरहाल देखते हैं क्या होता है लेकिन आफ्ताब साहब वजारत दिफा ने कह दिया है कि उनके पास फोर्सेस की अदम दस्तियाबी होगी दहशत गर्दी की जो सूरत हाल है रेंजर्स और फौज अवेलेबल नहीं कर सकते वजारत खजाने ने कहा कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं है तो ये दो जवाब तो दो वजारतें पेश कर चुकी वो नहीं दे सकते तो वो नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं मतलब क्रिकेट मैच के लिए तो हाजिर है सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं तो ये तो एक आईनी मसला है समझे ना ये पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी का मसला है इस वक्त पंजाब और के अंदर एक अबूरी हुकूमत है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो इस काम के लिए आती है अबूरी हुकूमत कि जी वो इलेक्शन करवाए तो अब उसको वो नहीं समझते कि इतनी जरूरी नहीं है तो ठीक है फिर आगे देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है अभी क्रिकेट के मैच के लिए तो बिल्कुल हाजिर है फौज भी हाजिर है और रेंजर्स भी हाजिर है जी सिद्दीक़ुल साहब आफ्ताब साहब का मौक़िफ़ आपने सुना ज़ाहिर है ये कानूनी और आईनी मामला है 90 दिन के अंदर ये जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करना है लेकिन ऑलरेडी जो दो वजारतें हैं वो जवाब पेश कर चुकी हैं और राणा साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो एक साथ हों ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ चुका है तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पंजाब में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की मुतहमल हो सकती है और आफ्ताब जहांगीर साहब को भी सलाम मसला बिल्कुल आईनी और कानूनी है लेकिन मुल्क और कौम की सलामती इन मुकदम है और वो भी आईन के मुताबिक ही मुकदम है अगर रोज़ाना दहशतगर्दी के नतीजे में बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, और उससे निमटने के लिए फौज, रेंजर्स, पुलिस, इन सब की दस्तयाबी ज़रूरी है। उसमें से वो लाखों लोग निकाल के इलेक्शन कराने के लिए दे सकते हैं, इसी तरह से अदलिया में से निकल के लोग आ सकते हैं, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी अपने आप को फारिग कर सकती है। तो ठीक है, ये मेरा और आफताब जहांगीर साहब का नहीं, आईनी मामला है, और आवाम के वोट के जरिए हुकूमतें मुंतखब करने का मामला है। हम ये नहीं चाहेंगे कि लोगों को ये मौका ना मिले, लेकिन जो लोग जमहूरियत का चैम्पियन होने की बात करते हैं, आफताब जहांगीर साहब मेरे भाई हैं, तो इस तरह के जब ताने देने की कोशिश करते हैं तो ये अजीब बात है। वो आदमी जो फौज को कहे आप न्यूट्रल ना रहे, न्यूट्रल जानवर होता है, मेरा साथ दें, आइन को छोड़ें, वो और उनकी पार्टी के लोग जब जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं आइन की खिलाफ वर्जी की दावत कौन दे रहा है और खुलेआम दावत दे रहा। तो इसलिए ये बिल्कुल, अगर अपने इनकी लीडरशिप भी गलत काम करती है तो उसको क्रिटिसाइज करें ना। बात तो ये है, आप जब एक तरफ आइन से मावरा काम करने की दावतें देते हो, आप रोजाना यू टर्न लेते हो, झूठ बोलते हो कौम से, पहले कहा कि अमेरिका ने यह काम किया है और ये हुकूमत इंपोर्टेड है, अब कहते हैं अमेरिका ने नहीं किया, तो या पहले बेवकूफ़ बनाया कौम को आपने, बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बनाया, या अब बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी सच्ची बात कौन सी है, पहले सच बोला या आज सच बोल रहे हैं? तो हमें तो समझ नहीं आती कि ये कैसे कौमी लीडर हैं कि जिनको एक तकरीर में यू टर्न लेते हुए कोई हया शर्म नहीं आती, कोई ये ख्याल नहीं आता कि मैं क्या क्या रहा हूँ। एक तरफ मैं दावा करता हूँ आइन का सेवियर, एक तरफ मैं जमहूरियत का नारा लगाता हूँ, एक तरफ मैं कौम के सामने सच बोलने का वादा करता हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर यूं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं कहता हूँ कि मैं कौम से सच बोलूंगा। ये सच है जो आपने अमेरिका के हवाले से कहा। आफताब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, आपको लगता है कि हुकूमत की नीयत में कोई शक है, कोई फितूर आप लोगों को नजर आ रहा है? बल्कि हुकूमत तो ये कह रही है कि अगर आईनी कानूनी तकाजा है तो इसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा देखिए सभी, पहली बात तो ये कि ये तो आप सबको पता है कि ये इन्होंने महंगाई मार्च निकाला, इन्होंने कहा कि जी, और फिर कहा कि इलेक्शन करवाया जाए, और जब हमने इलेक्शन की बात की तो ये भाग गए वहाँ से। अच्छा फिर इन्होंने जो तरीक़ेकार अख्तियार किया वो सबको पता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे अब पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह, जो पहले इनके ज़माने में, जब 13 के ज़माने में मेरे ख्याल में 13 साल के होंगे, तो वो अब तकरीबन जो है वो हो गए 23 साल के। तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि अब कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, अब कौम बड़ी बाशऊर है, उन्हें सब चीज़ों की समझ आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप अपना मुकदमा जो है अवाम की अदालत में लड़ें, और लड़ने के बाद वहाँ से जो भी फैसला आए उसको कबूल करेंगे, हम भी करेंगे आप भी करेंगे, समझे ना। तो अभी अच्छा मैदान लगेगा ये जो केपी के और पंजाब का है, इसमें आप देखिए आपका बयानी अगर सही है, लोग उससे एग्री करते हैं तो ठीक है, यही जमहूरियत का हुसन है कि जी अवाम के फैसले को मानना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बार दफा ये कहते हैं जी हम इम्पोर्टेड थे या हम आरटीए, पता नहीं कौन कौन से लकब इन्होंने दिए, लेकिन आवाम ने इस बात को माना था कि उन्होंने पीटीआई को वोट दिया था और पीटीआई के साथ खड़े हुए थे, और अब भी जो है फैसला आवाम का होगा, आवाम जिसको वोट देगी वो जाएगा। लेकिन इस वक्त सख्त जरूरत है, देखें मैं आपको बताऊँ, इस वक्त पाकिस्तानी कौम एक बहुत परेशानी के हालत में है, बेचारों के पास खाने को पैसे नहीं है, रोज ब रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, चीजें महंगी होती जा रही है। तो इसके लिए ये बेहतर वक्त है कि जी आप पंजाब का और केपीके का इलेक्शन करवा दें, और अगर आवाम आपको साथ दे देगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर ये है कि ये इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो आपको और आपके सारे हालात को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि जी आपको मुंतखब नहीं करना। ये तो सीधा सीधा सा एक तरीका है, लेकिन आपके सामने इस पूरे सूरत हाल है कि जी ये पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त पैसे पैसे को मोहताज हुई है,
और आपकी जो है 26 लाख डॉलर पता नहीं कोई कहता 40 लाख डॉलर जो है वो खर्च करके तुर्की जा रहे थे। तो कितनी शर्म की बात है कि तुर्किश प्रेसिडेंट ने कहा कि जी आप बताओ आप इस वक्त मतलब आप 70 आदमियों का एक वक्त लेकर क्यों आ रहे, समझे ना। तो मतलब ये कि इनको तफरी लगी हुई है कि जी यहाँ कुछ हो जाए वहाँ फौरन पहुंच जाओ जी, और पाकिस्तान में कहते हो कि महंगाई है, पैसे नहीं है हमारे पास। एक मुझे बताएं, $1 बिलियन लेने के लिए ये IMF के पास कितना झुक रहे हैं, हालांकि इससे ज्यादा अगर ये अपील करें इनके अगर चाहने वाले दुनिया के अंदर होंगे तो वो इतने पैसे तो वो आराम से बल्कि इससे 4 गुना 10 गुना ज्यादा भेज देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो है वो चीजें तकरीबन कहते हैं कि 5-7 साल में जो इतने पैसे बाहर किए उन्होंने एजेंसियों ने या इदारों ने या बैंकों ने नहीं किए जितने ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $140 बिलियन भेजा। तो जब आपकी आवाम इतनी खुशहाल है बाहर की और बड़ी हिम्मत वाली है, वो अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं मदद करेगी, बिल्कुल करेगी, अगर उनको ट्रस्ट होगा तो बिल्कुल मदद करेंगे। अभी आप एक दफा बैठ जाए शहबाज शरीफ साहब को कहें और जरदारी साहब को कहें, मौलाना फजलुर रहमान को, सब 13 के 13 पार्टी के लोग बैठ के एक अपील करें ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि जी इस वक्त पाकिस्तान परेशानी में है, आप हमारी मदद करें। यकीन है इतने पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे जितने ये IMF के पास जा रहे हैं, जिससे हर रोज एक ब्लैकमेल हो रहा है, कभी इसकी कीमत बढ़ाओ कभी उसकी कीमत बढ़ाओ, और आवाम दिन ब दिन बेचारी परेशानी में गिरती जा रही है। अब तो लोग खुदकुशियों पर आ गए। आप यकीन करें मेरा हल्का जो है सभी ना, आपकी कराची में अभी जो प्रोग्राम बनाते हैं हम दोनों मिलकर चलते हैं, हल्के में प्रोग्राम करते हैं, आपको पहले तो हल्का देख के आपको एहसास हो जाएगा और फिर वहाँ के लोगों के हालात देखकर। तो ये तो बहुत अच्छा है कि इस वक्त मैं इनको एक मशवरा दे रहा हूँ कि ये पहले हैं और एक अपील करें ताकि ये कि पाकिस्तानी कौम जो है इनकी अपील पर ज्यादा से ज्यादा वो रेमिटेंस भेजें और ये पाकिस्तान मुश्किल से निकले। बिल्कुल ठीक, महंगाई का एहसास हम समेत सबको है क्योंकि हम सब इस महंगाई को भुगत रहे हैं। सिद्दीकुर फारूक साहब, बड़ा आसान सा सॉल्यूशन आफताब साहब ने दिया कि क्यों घुटने टेके जा रहे हैं IMF के आगे, 13 पार्टियां हैं, मिलकर अपील करें और इतना तो पाकिस्तान के चाहने वाले दुनिया के दूसरे मुल्कों से भेज देंगे कि आप लोगों को IMF की कड़ी शरायत मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अफसोस है कि आफताब जहांगीर साहब या तो उसूलों जाब्तों और माहदों को नहीं जानते या ये काम ले रहे हैं जानबूझ के, मतलब है यानी बंट रहे हैं अनजान। मुआहदा आपने किया IMF के साथ, क्लिप मैंने आपको पहले भी भेजा है, जरा लगाएं ना, लगाएं जरा, पता नहीं उस दिन आपने लगाया या नहीं, मुआहदा किया इमरान खान ने, उस वक्त इमरान खान अपील कर देते ना कि नहीं मुझे कोई जरूरत, कहते हैं तो वो तो 200 बिलियन, उन्होंने फिर कहा मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं $200 बिलियन जो पाकिस्तानियों के बैरूनी मुल्कों में पड़े हैं वो वापस लाऊंगा। वो कहाँ गए $200 बिलियन जो आपने अल्लाह को वादा करके अल्लाह को गवाह बना के कहा था कि मैं वापस लाऊंगा, और फिर आपके असद उमर ने कहा कि वो ऐसी सियासी बात थी। यानी अल्लाह के नाम पे भी आप धोखा देते हैं, रियासत मदीना के नाम पे भी आपके लीडर धोखा देते हैं, और IMF के साथ मुआहदा करके फिर आपका वजीर खजाना फोन करके अपनी सूबाई हुकूमतों को कहता है कि ये खत लिखो IMF को, सबूताइज करो ताकि ये पैसे ना मिले पाकिस्तान को। यार खुदा का कहीं तो खौफ कर लो, मरना नहीं है, जवाब नहीं देना, इसलिए कहीं कहीं कोई तनकीद कर लो, कहीं पूछ लो कि आप क्या कर रहे हो। उसके बाद मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप कहते हो जी इलेक्शन करा दो, हो गए, फर्ज करें खुदा न खास्ता आप आ गए, आपने पहले इस कौम से वादा किया था 100 दिन में हम ये कर दें, लाहौर के जलसे आपने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, आपने कहा था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने कहा था मर जाएंगे खुदकुशी कर लूंगा IMF के पास नहीं जाऊंगा। क्या ये अच्छा लगेगा कि इमरान खान जो है दूसरे मुल्कों से जाके कर्जे मांगे, और फिर जब जाते थे कर्जे के लिए तो कहते थे माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया है, IMF के साथ मामला तय हो गए हैं। यार कहीं तो अपने लीडर को जो शौकत खानम के पैसे खा गया है, 2 अरब का हिसाब उसने 95 से अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं दिया, 28 साल गुजर गए, वो जनाब पैसे जो है वो 12 में मुकदमा होता है, 14 में पैसे वापस होते हैं,
7-10 अरब रुपए का जनाब हर जाने का नोटिस भी दे देता है, और कल बयान देता है कि नहीं वो बात तो ठीक है कि जनाब उन्होंने 12 को मुकदमा किया था 2012 में, और 14 में मैं पैसे वापस ला सका हूँ। यार 11 साल आपने लोगों को बेवकूफ बनाया, उस लीडर की बात करते हो जो रोज झूठ बोलता है, हमें उस लीडर पर और कौम को भी एतबार नहीं। ये जो ऑडियोज लीक हुई है ना, और जो अब और आ रही हैं, और आ रही हैं वीडियोज भी, उसके बाद इमरान खान की किसी बात पर एतमाद करना, अहमकों की जन्नत में रहना है। मुझे उम्मीद है कि आफ्ताब जहांगीर जैसे समझदार आदमी बेवकूफ नहीं बनेंगे। सिद्दीकुल्लाह साहब, अभी आपने बात की, खुदा ना खास्ता अगर ये लोग आ गए जिन्होंने 100 दिन का प्लान दिया, तो आप क्या हुकूमत इस डर की वजह से इंतखाबात नहीं कराना चाह रही? मैंने तो ये कहा कि इनके पास प्रोग्राम क्या है कौम को देने के लिए। हम मैं फिर आप देखिए, ये दहशत गर्दी, ये दहशत गर्दों के साथ मुआहदे, ये 5-7 हज़ार दहशत गर्दों को हम बसा दें, इनके दफ्तर कायम करें KPK में। KPK में पिछले साल इनकी हुकूमत 9.5 साल रही है ना, इनकी 370 पुलिस वाला शहीद हुआ है इनके हाथों। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का एक टोला ग्रुप निकलता है, वो बन्नू जेल तोड़ के अपने दहशत गर्द लेके चला जाता है, और इमरान खान की पूरी सूबाई हुकूमत उनको नहीं रोकती। ये तो दहशत गर्दों के साथ मिले हुए हैं, इनकी क्या बात करते हैं। इसलिए दहशत गर्दी से निमटने के लिए फौज ने कह दिया है कि हम अपने आप को फारिग नहीं कर सकते, रेंजर्स ने कह दिया हम फारिग नहीं कर सकते, पुलिस नहीं फारिग हो सकती, ये बात है। हाँ, अगर दहशत गर्दों की इमरान खान साहब जमानत लेते हैं कि दहशत गर्दी नहीं होगी, कल से एक भी बंदा नहीं मरेगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन और वजारत दफा और फौज वाले कहेंगे अच्छा ठीक है फिर हम दे देते हैं। ठीक आफ्ताब साहब, गुफ्तगु आपने सुनी, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान के इस इंटरव्यू के हवाले से क्या कहिएगा जिसमें उन्होंने वाजे तौर पर यू टर्न लिया है? उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने की जो साजिश है उसके पीछे अमरीका मुलविस नहीं, जबकि आप लोग या खुद खान साहब बार बार अपनी तकारीर में अमरीका को इस साजिश में मुलविस होने का जिम्मेवार करार देते रहे हैं। असल में देखें, हम ये मेरा हमारा कहना ये है कि अमेरिका बिल्कुल इसके अंदर 100% या 200% है, और लोकल जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसने ये सारा काम किया। फिर ये मुझे बताइए कि इमरान खान ने झूठ बोला है या आफ्ताब जहांगीर साहब झूठ बोलते हैं? मुझे तो लगता है कि नवाज शरीफ ने झूठ बोला था, शहबाज ने, बच्चों ने, क्योंकि 5 साल के लिए आपकी क्या बात है जनाब, आप कल आप ये दावा करेंगे, आप कल ये दावा करेंगे अपना मेरे भाई आफ्ताब जहांगीर साहब आपका एतराज करते हुए, आप कल ये दावा करेंगे कि एक भी धमाके जो हैं वो इमरान खान ने किए हैं, आप कल ये दावा करेंगे कि इमरान खान ने बनाए हैं? जी आफ्ताब साहब को कंप्लीट कर लेने दे, फारूक साहब मेरी गुजारिश है आपसे, आफ्ताब साहब को कंप्लीट कर लेने। जी आफ्ताब साहब देखिए, मैं झूठ तो खान साहब ने क्या बोला, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में इलाज भी पाकिस्तान में कराते हैं, शौकत खाना में कराते हैं, यहाँ पर छोटे से प्लेटलेट्स लगते हैं कि वो आता है वो पता नहीं 40-80 फौरन इंग्लैंड भाग जाते हैं, अमेरिका भाग जाते हैं, समझे ना, कहते हैं जी मैं हमारे डॉक्टर वहाँ पे हैं, हमारे अस्पताल वहाँ पे हैं, तो इतना महंगा इलाज कराते हैं, तो इसका मतलब ये वहाँ पैसा माल वाल रखा हुआ है ना इन्होंने, पाकिस्तान के अंदर कराए, पाकिस्तान के जिना अस्पताल में जाए, सिविल अस्पताल में जाए, पाकिस्तान की शौकत खानम में जाए, बहुत अच्छा इलाज होगा, समझे ना। तो दूसरी बात ये कि देखें, मैं आपको बताऊं, झूठ बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा, वजह तो ये पता है कि मैंने खान साहब नवाज फैमिली को वहाँ पे देखा सऊदी अरब में मस्जिद नबी में बैठे थे, मैं उमरे के लिए गया था वहाँ पर, मैं भी गया, मैंने भी इनसे हाथ पाथ मिलाए, समझे ना, मुझे अच्छी तरह याद, इनके कपड़े तक थे, मैं बता सकता हूँ कौन से रंग के पहने हुए थे, और वहाँ पर एक बंदा आया, ये खड़े हो गए उससे मिलने के लिए, तो इन्होंने कंप्लेन की कि जी तुम हूँ खुश हो सानू कट के, तो उसने पता है क्या कहा है, तो उसने खड़े खड़े जवाब दिया और कहा कि आप अब भी खुश नहीं हो कि अल्लाह ने आपको अपने घर में बुला लिया, मेहमान बनाया, तो तुम हर वक्त कंप्लेन ही करते रहते, तो पंजाबी में उसने कहा। अच्छा। और उसका नतीजा ये निकला कि वो बेचारा खड़ा होकर चला गया वापिस, उसने कहा ये कभी खुश नहीं हो सकते, ना शुक्रे लोग हैं। देखें बात ये पाकिस्तान है, इसमें बदकिस्मती से हमारे हिस्से में तो 3-3.5 साल आए ना, लेकिन 72 साल जो है, 71-72 साल किसके पास रहा ये पाकिस्तान,
और इस पाकिस्तान से सभी आप अपनी ईमानदारी से पूछो, आप कराची के हालात से खुश हो कि नहीं, आप महंगाई से खुश हो कि नहीं हो, मतलब तंग कितने आप तंग होगी महंगाई से, मतलब हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आवाम इस वक्त झोलियाँ उठा उठा के जो है हम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गालियाँ दे रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं, तो इस सब चीज़ों से निकलने का मतलब क्या है कि आप फौरी इलेक्शन कराएं, फिर इलेक्शन करवाएं और आवाम जिसको मुंतखब करे उसको आप हुकूमत दें। अगर हमारी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी तो फिर ये इलेक्शन में जाने से क्यों घबरा रहे हैं, इलेक्शन में जाएँ खुशी खुशी जाए, तो अल्लाह के जो आप पाकिस्तानी आवाम का फैसला कबूल करेंगे, हम भी करेंगे, आप भी करें। मैं जवाब देता हूं जी, जी जल्दी से। इलेक्शन जब इमरान खान ने कहा कि मुझे अक्टूबर 21 में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, तो क्यों नहीं असेंबलियों तोड़ के इलेक्शन कराए, वो बड़े पॉपुलर थे, क्यों नहीं तोड़ी? वो फरवरी 22 में क्यों नहीं तोड़ी, क्यों नहीं तोड़ी भाई? आप कराते ना इलेक्शन, नंबर एक। नंबर दो, अब आफताब जहांगीर साहब जैसा शरीफ आदमी नवाज शरीफ के हवाले से कहता है कि उन्होंने उन्हें गिला किया कि आपने हमें मुल्क से निकाला, वो जवाब में कहते हैं कि आप खुदा के घर में बैठे हैं यानी मस्जिद नबी में बैठे हैं, यहाँ भी आप खुश नहीं हैं। जरा आप इनका जवाब देखें, मस्जिद नबी में जाके उमरा करके हज करके कौन मुसलमान खुश नहीं होता, लेकिन देश निकाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत कर रहे थे तो काबा की तरफ मुंह करके कहा, ए मक्का मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं यहां से नहीं जाना चाहता, लेकिन तेरे बेटे मुझे यहां नहीं रहने देते। उन्हें अपने घर से, अपने वतन से, अपने शहर से ये मोहब्बत थी। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करना गुनाह है, लेकिन अब इन्होंने चूंकि डिफेंड करना है इमरान खान को, ये तो कल इन जैसा शरीफ आदमी ये भी क्या गुजरेगा, और जी एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए तो इमरान खान ने किए हैं, बल्कि इमरान खान ने तो मुल्क का जुल्फिकार अली भुट्टो ने नहीं, एटमी प्रोग्राम जो है वो इमरान खान ने यहाँ शुरू किया था, सारे मोटरवेज इमरान खान ने बनाए हैं, सारा सी पैक इमरान खान ने बनाया है। इमरान खान तो जनाब बड़ी जबरदस्त शह है क्या, लेकिन यार खुदा का खौफ करो, इमरान खान की कस्में, इमरान खान के वादे, अल्लाह को गवाह बना के वादे, कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश, नौजवानों को बद अखलाकी सिखाना, ये सारा क्या है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। कल अमरीका 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 ने साजिश की है, अमरीका ने, आप कहते हैं नहीं अमरीका ने तो नहीं, ये यार कुछ कहीं तो यार आप लोग रुक जाओ, कहीं तो एक खत तनसीख ड्रा कर दो, कहीं लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रा कर दो, कह दो कि हमारा लीडर चलो था यार लेकिन ये गलत कह रहा है, लेकिन आप में इतनी अखलाकी जुर्रत है नहीं। जी आफ्ताब साहब, आपके जवाब के बाद में वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। जी ये बात ये है कि इसका एक ही हल है, वो हल हल ये है कि आवाम को फैसला करने दें, फैसला जिसके हक में आवाम करें बेहतरी की तरफ ले जाए, चाहे वो ये हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। जी जी सिद्दीक गुलफर साहब और सुन लें, आरिफ नकवी के 250 अरब रुपए इन्होंने माफ किए, वापस किए, और कहते हैं इमरान खान क्या है, थोड़ी सी उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, थोड़ी सी 250 अरब। बहुत शुक्रिया जी, हाँ। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन हॉट शो प्रोग्राम जो वक्त पड़े थे पैंजी पुजानी ते पहुंचो, इंदड़ प्रोग्राम तैनी दा इजाजत, अल्लाह वाही।